नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहन गहलोत एक और नई वीडियो के साथ। किसान साथियों, मैं पहुंचा हूं अनार के बगीचों में और अनार के बगीचे में निमेटोड हुआ है अनार के बगीचे में और उसके निवारण के लिए अपन इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। जो किसान साथी है मेरे साथ में, उनसे अपन बात करेंगे कैसे इनकी निमेटोड खत्म करने के लिए दवा डालते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज लेते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन किसान साथी का परिचय लेते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने प्लांट लगे हुए हैं और कितने साल के हुए हैं, इसके बारे में अपन किसान साथी से पहले पूछेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश भाटी है सर। अच्छा, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो आप? हम भीमसागर क्लब से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर कितने प्लांट हैं अनार के? अनार के लगभग 1000 प्लांट हैं। 1000 प्लांट हैं, और कितने साल हो गए सर? करीबन छः साल के हो गए। अच्छा, इसमें अभी आप बता रहे निमेटोड हो गए हैं, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो पहले आपने इससे पहले आपने कुछ प्रोडक्ट डाले हैं? प्रोडक्ट डाले हैं, उनसे फ़र्क तो पड़ा है पर लगातार फ़र्क नहीं है। निमेटोड के लिए हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज लिए थे और जिससे क्या है कि छः महीने के अंतराल पर वापस निमेटोड इनके पौधों में आ गई है। तो इसके एंड करने के लिए इन्होंने एक ये बाहर का वेलम प्राइम लेके आए हैं और इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे कैसे देते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से किसान साथी से अपन चर्चा करेंगे। तो दिनेश जी बताइए भाई, वेलम प्राइम कैसे देते हैं, इनके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखो साथियों, 2 लीटर वेलम लेके आया था, थोड़ा नॉलेज नहीं है तो मोहन जी आपको मैंने बुलाया बगीचे के अंदर। अच्छा, तो कैसे देनी है कैसे नहीं देनी है, इस वजह से प्रोडक्ट थोड़ा हाई है, इस वजह से मैं मोहन जी से चर्चा कर ही लेते हैं। दिनेश जी बता रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी हाई है, लगभग 7.5-8 के करीबन है, और कैसे देना है इसके बारे में मेरे को इन्होंने कॉल किया है, तो मैं इनके बगीचे में आया हूँ और कैसे देनी है इनके बारे में अपना आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दिनेश जी, आपका पहला फर्स्ट ट्यूशन क्या रहेगा जिसके मैं आपको बता सकूं भाई वेलम कैसे देनी है किस तरीके से? साथियों, थोड़ा कंफ्यूज ये था कि अभी तो इस पे कोई माल लग रखा है, तो मैंने सोचा कि माल पूरा निकाल के बाद में वेलम दें या पहले दें, इसके बारे में चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तो मैं जो दिनेश जी ने क्वेश्चन किया कि भाई अभी माल प्लांट पे लगा हुआ है और इसको तोड़ के दें या पहले दे दें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब लास्ट स्टेज पर मार्च अपन का एंड है, ठीक है। माल तो अपन का 6-7 दिन के अंदर एकदम ले लेंगे, लगभग ये माल तैयार है। तो 6-7 दिन के बाद में अपना माल ये तोड़ दो जी। तोड़ाई करने के बाद में आप ऐसे करना, अप्रैल का महीना वेलम प्राइम के लिए सबसे बेस्ट है और आप कोशिश हो तो आप मार्च के एंड में भी आप इसका वेलम प्राइम का यूज करोगे तो ये बहुत ही शानदार चीज़ इसके लिए है और आप माल तोड़ने के बाद ही इसका यूज करें। दूसरा क्वेश्चन है सर, जैसे वेलम देने के बाद में ये कितने टाइम तक असर रहेगा? वेलम ये कॉस्ट ये लगभग 90 दिन तक इसका रिजल्ट रहता है और इसके बाद में फिर इसका भी रिजल्ट कम हो जाता है धीरे धीरे और 90 दिन कंप्लीट इसका रिजल्ट रहता है। तो देखो मोहन जी, तो ना आप 90 दिन का बता रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जैसे अपन बात कर रहे हैं तो ये बाद में खाद देने का भी विचार है, तो वापस वो गड्ढा बनाएंगे तो ये अलग हो जाएगा ना? तो ये क्वेश्चन है आपका, खाद देने के बाद में भाई वेलम एंड हो जाएगा जी, तो आपको पहले तो देने का तरीका बता दूं मैं आपको, जिसे क्या कि पहले आप जैसे ही वेलम दे रहे हो तो ये आप प्लांट देख रहे हो, ठीक है। वेलम देने से पहले आपको यहाँ पर पूरा पौधा एकदम गीला होना चाहिए, पास भी जितनी भी मिट्टी दिखाई दे रही है जी। आप यहाँ पर ड्रिप के द्वारा लगभग 4 घंटे चला दो, ठीक है। पहले दिन आप 4 घंटे इसको एकदम मिट्टी को भिंजा दो चारों तरफ से, भिंगाने के बाद दूसरे दिन एकदम गीली भी नहीं होनी चाहिए मिट्टी जी, ठीक है। एकदम ये ऐसे है ना, जो अपन लड्डू बांधते हैं ना, तो लड्डू बंधने चाहिए ऐसे, ये बंध गए ना जी, ऐसे होनी चाहिए जमीन। ऐसी जमीन होने के बाद में अपन एकदम ज़्यादा गिल्ली भी नहीं होनी चाहिए और दूसरे दिन आप पहले दिन तो आप इसको पानी पिला दो ज़बरदस्त, ठीक है, 4 घंटे और मिट्टी एकदम चारों तरफ से गिली हो जाए, और दूसरे दिन शाम को आप लगभग 6-7 बजे आप उसको वेलम को आप चला दीजिए, जिससे क्या है कि जो अपन की चारों तरफ नमी बनी रहेगी ना, तो वेलम प्राइम जैसे ही अपन देंगे तो वेलम नमी के हिसाब से चारों तरफ अपन की फैल जाएगी। उसके बाद आप कह रहे हो कि खाद कैसे दें, तो खाद की बात करते हैं, तो खाद आप दे सकते हैं, लगभग इसका रिजल्ट 90 दिन है। खाद अपन पहले देंगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है, लगभग अपन को खाद बाद में ही देना है, क्योंकि अपन जैसे ही खाद देंगे अपन की पौधे की जड़ें स्वस्थ है ही नहीं तो खाद वो कैसे ग्रहण करेगा, ठीक है। वो बात सही है, जैसे अपन की ये वेलम प्राइम पहले देंगे ना तो ही इसका ज़्यादा रिजल्ट रहेगा, जिससे अपन की जड़ें साफ हो जाएगी और अपन का पौधा एकदम अच्छी खुराक लेगा और खाद भी अच्छी, और जो अपन पानी दे रहे हैं इसको कुछ ऐसी और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो वो अपन अच्छी तरह से ग्रहण करेगा जी। अभी एक पर पौधे क्या डोज रहेगी इसकी? देखो आप अभी पर पौधे की बात करते हैं तो लगभग छोटे प्लांट की बात करते हैं जो 2 साल से कम है तो आप उसमें 1 ml चलाओ, और लगभग 4-5 साल का है तो आप उसमें 2 ml जरूर चलाओ, जिससे अपन का पौधा पूरा एकदम रिकवर हो जाए। ये लगभग 6 साल के हो गए, 6 साल के हो गए तो आप इसमें 2 ml आप प्रति पौधे के हिसाब से आप चला दो।
तो 1000 पौधे तो 2 लीटर खूब होगी, 2 लीटर खूब होगी। हाँ। इसके बाद में मैं आपको और बता देता हूँ, जब अपन वेलम देते हैं तो अपन का जो अपन वेलम देते हैं तो अपन ड्रिप के द्वारा देते हैं, ठीक है, ड्रिप के द्वारा देते हैं तो सर्वप्रथम अपन का ये ड्रिप आता है तो ड्रिप को आप साफ कर लीजिए, ठीक है, साफ करोगे जिसमें किसी भी प्रकार इसमें कचरा है तो वो एकदम बाहर निकल जाएगा, जिसे अपन का वेलम चारों तरफ कवर कर जाएगा, कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में आप अपन के पौधे का इस कोने से उस कोने, जो अपन का ये ड्रिप लाइन है जी, ड्रिप लाइन में इस कोने से उस कोने आप किसी भी एक ऐसा ले लो लीटर का या डिब्बा ले लो, ठीक है, इस कोने पर भी आप उसमें ड्रिप से पानी मापो कितना आ रहा है और उस कोने पर पानी मापो कितना आ रहा है, बराबर पानी आ रहा है और तो आप इसको वेलम को एकदम बराबर दीजिए, जिससे कि आप पौधा एकदम पूरी अपन का ड्रिप पूरा बराबर मात्रा में वेलम चलाएगा, और कहीं कहीं पर ज़्यादा पानी आ रहा है 2 लीटर आ रहा है और कहीं पर 1 लीटर आएगा तो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, जिससे रिजल्ट थोड़े कम आपको दिखाई देंगे। तो एक बार पूरा कवर कर लेंगे, चेक कर लेंगे, एक बार आप एकदम चेक कर लो ड्रिप में पानी पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके बाद आप किसी एक ऐसा लीटर का या डिब्बा ले लो, उसमें पानी बराबर भाई 1 लीटर इस साइड में आना चाहिए तो 1 लीटर उस कॉर्नर पर आना चाहिए, 1 लीटर चारों तरफ आप पूरे एकदम ड्रिप को चेक कर लो, बराबर मात्रा में आए या तो आप इसको दो, और नहीं आए तो आप एकदम ड्रिप को साफ करो या दूसरे चेंज करो, दूसरे चेंज करके आप इसको दे दीजिए। बोले ये एक समस्या और है, तो इसमें क्या करेंगे, ये ड्रिप अभी मेरे को डबल लग रखे हैं, इसमें ये 3-3 करने का विचार कर रहे हैं। अच्छा, 3 करने आपको ड्रिप जी, ड्रिप 3 करने तो आप बीच में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पानी इक्वल नहीं आ रहा, देखो बराबर नहीं पहुंच रहा ना, तो आप वहां पर ये ड्रिप लगा के ही आप वेलम चलाना, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, ठीक है, जिससे क्या कि पौधों को चारों तरफ ये ड्रिप कवर कर लेगा और ये अपन का वेलम भी बराबर जाएगा। जो भी अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं या फिर ओमिक देते हैं या फिर इसमें किसी भी प्रकार का एनपीके देते हैं फर्टिलाइजर, तो जिससे क्या है कि पौधा एकदम कवर करेगा तो ही अपन के पौधे को एकदम पूरी खुराक जाएगी और जिससे अपन का पौधा एकदम अच्छा बनेगा, ठीक है। और निमेटोड के लक्षण है तो मैं वो आपको बता देता हूँ, इसमें जड़ें हैं तो जड़ें में एकदम गांठ पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद में ये पत्तियाँ हैं, टहनियाँ सूख रही है, टहनियाँ सूख जाएगी और पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी और पौधे में ये पत्ती छोटी पड़ने लग जाएगी, पीली पड़ने लग जाएगी और ये धीरे धीरे टहनी सूखने लग जाएगी, और इसके बाद में ये टहनी टहनी आपकी एकदम कड़क हो जाएगी, ऐसे तोड़ तो इसी ये टूट जाएगी, और जो निमेटोड से लक्षण नहीं है तो वो एकदम मुलायम रहेगी, टूटने में थोड़ी परेशानी आएगी। इसके अलावा अपन ये मैरी गोल्ड का प्लांट आता है ना जी, जो गेंदा कहते हैं, तो गेंदे का अपन प्लांट लगा सकते हैं, गेंदे के प्लांट में एक ऐसा रासायनिक पाया जाता है जिसमें जो निमेटोड होगा ना तो वो प्लांट धीरे धीरे अपने आप आकर्षित कर लेगा, जिससे कर लेगा, हाँ, उसके अंदर वो गेंदे के अंदर प्लांट के अंदर उस जड़े के अंदर चला जाएगा निमेटोड। इसके अलावा अपन मूली भी लगा सकते हैं, मूली से क्या होगा सर, मूली से भी अपन का निमेटोड हो ना वो अपन के मूली के अंदर चला जाएगा, और मूली मूली की ज़्यादा जड़ें रहती नहीं है और वो एक बार घुस जाएगा तो वो अंदर इसके अंदर ही मर जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा अपन नीम खल भी दे सकते हैं या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक अपन आते हैं निमेटोड के लिए वो भी अपन यूज ले सकते हैं, कार्बोक्यूरोन यूज ले सकते हैं, ऐसे कुछ मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा मोहन जी, इसमें भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं तो बात करेंगे इसमें ओरिजिनल कौन सी है, डुप्लीकेट कौन सी आती है मार्केट में, अलग अलग वेलम भी अवेलेबल, इसके बारे में पूछेंगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या पता चलेगा, इसके बारे में थोड़ा मोहन जी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो दिनेश जी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में जो आप बता रहे हो एकदम राइट क्वेश्चन किया आपने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया कि मार्केट में डुप्लीकेट भी आती है जिससे किसानों के साथ बहुत धोखा आता है, और ये लगभग 7.5 और 8 के करीबन पहुंचती है, किसान को काफ़ी इस पर कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बताते हूँ इस पर ओरिजिनल के ये बाहर का आएगा ना तो इस पर ये स्कैन आएगा, QR कोड आएगा, ठीक है, जैसे ही आप इस पर QR कोड पर स्कैन करोगे तो इसमें बाहर का लिंक आ जाएगा और इसका प्रोडक्ट और पूरा इसका तालमेल बता देगा, भाई इसका ये अंतिम तारीख क्या है, इसका बैच नंबर क्या है, ये पूरा उस अच्छा स्कैन पे आ जाएगा, स्कैन पे पूरा इसकी डिटेल आ जाएगी, इसका बैच नंबर क्या है, तारीख क्या है, इस पे कब इसका एक्सपायर डेट है, कब इसका लॉन्च किया है मार्केट में निकला है, इसका ये बैच नंबर सारा बता देगा। और इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमारा बताइए। नहीं, क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल सभी सॉल्यूशन किए हैं, इसका बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद सर। और ऐसी आप किसान साथियों को क्या बताएंगे भी आपके बगीचे में भी निमेटोड है तो आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, इसके बारे में अपन किसान साथियों को क्या बताएंगे? देखो साथियों, बाकी तो मैं सब यूज करके देख लिया, उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो आखिरकार मैंने वेलम का ही यूज कर रहा हूँ, देखते हैं वेलम का कितना फर्क पड़ता है, इम्पेक्ट रहता है, फायदा होगा तो जरूर किसान भाई, मेरी सलाह यही है कि वेलम दें आप। चलो किसान साथियों धन्यवाद, हमारे यहाँ पर आज जी ने हमारे को बुलाया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी की है कि ये निमेटोड के बारे में,
तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दिनेश जी, आप ये वैल्यू चलाइए और अपने पौधों से ये लिमिटेड मत बनाइए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, और अपने अच्छे प्लांट तैयार करें और अच्छा प्रोडक्शन लें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।